वैसा होना चाहिए ना रे भाई। तुमने एक बार भी बोला कि वो सीनियर सर हैं, उनका नंबर क्यों ब्लॉक किया? तुमको ये पता चल गया कि साला बोला क्या है? नहीं, सब तुम्हारी बात सुन रही है। शुरू में तू स्वीकार कर लिया सर, आप लोग नेटवर्क एक मिनट छोड़कर नहीं जाते। कोई भी भाई को भी बोलाएंगे, महीने में 15-18 गेस्ट में आ रहे हैं, भाई को भी बोलाएंगे इन लोग से, तो गेस्ट को यार। हाँ सर, फेसबुक के माध्यम से तिलक से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफ़र है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकती हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए, और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक, और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था। एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी, एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पर ले जाया गया। वहाँ पर लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1,000 लोग वहाँ पर था, और वहाँ पर यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था, कुछ था ही नहीं वहाँ पे, बस वहाँ पे कॉल करने के लिए ही सिखाया जाता था। फिर 2.5 से 3 मंथ हुआ मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए, तो वहाँ मनीष सिंघा यानी कंपनी के CMD जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है, 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग? तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़ और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार मार के ज़बरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग, और मुझे भी पैसा कमाना था, तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है, तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। उसके बाद तब तक मतलब ये जो तिलक सिंह था ये पर्सनली रूम पे आने लगा, पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया, शादी के झांसा देके, मुझे शादी के झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर अय्यरपुर में मुजफ्फरपुर बकरी में रेट पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेट पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर, वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, जिसमें विजय कुशवाहा, हृदयानंद कन्हैया कुशवाहा, हरेराम और तिलक मौजूद था, उन लोगों के सामने मेरा शादी हुआ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे, उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन दे के मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पर नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था उसके बाद वो अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। जब भी हम मायके जाने का बात करते थे, वो मायके नहीं जाने देता था। और फिर अभी तक वहाँ से मेरा कोई सैलरी भी नहीं आया था। फिर मतलब मुझे लग गया था कि ये चीट फंड का कंपनी है, जब बकरी में रेट पड़ा था उसी टाइम मुझे लग गया था कि ये चीट फंड का कंपनी है। फिर हम बहुत मतलब जीत किए जाने के लिए, घर पे वो जाने नहीं दे रहा था। फिर मुझे 26 दिसंबर को उन्होंने बुलाया पटना, मनीष सिंह बुलाया, और वहाँ बुला के, वहाँ इनामुल हक थे, मनीष सिंहा थे, तिलक थे, इरफान और अहमद राजा, बाकी लोग जो था उसका नाम मुझे नहीं पता है, इन लोगों का नाम मुझे पता है।
फिर वहाँ मेरा फ़ोन रिसेट किया गया, मेमोरी कार्ड तोड़ा गया, सिम कार्ड तोड़ा गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में हर एक प्रूफ था, शादी से लेकर प्रेगनेंसी हर एक प्रूफ मेरे फ़ोन में था। सब लोगों ने मिलकर मेरा फ़ोन रिसेट किया, सिम, मतलब हर एक चीज़ कर दिया। उसके बाद वहाँ से रात में मुझे बैरिया बस स्टैंड लाया लोग, तीन गाड़ी था, एक तो हुंडई वरना था और दो और गाड़ी था, तीन गाड़ी से ये लोग आगे पीछे गाड़ी करते हुए बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर लाया लोग, और ये लोग मेन रूट से नहीं, कोई गांव होके लेकर आया लोग। यहाँ आने के बाद तिलक सिंह ने 200 का नोट दिया और बोला कि तुम्हें मायके जाने का बहुत शौक था, ये तुम पैसा पकड़ो और मायके निकल जाओ। केस किए, उसके बाद इन लोगों ने मेरे घर से जाके यानी मेरी मार्केट से जाके मेरा किडनैपिंग किया। किडनैपिंग करने के बाद मुझे गोरखपुर ले गया, गोरखपुर से डायरेक्टली मुझे मुजफ्फरपुर ही लेके आया था कोर्ट में, और फिर यहाँ से जैसे तैसे करके यहाँ से हम निकले, निकल के फिर डायरेक्टली मेरी एक दोस्त थी उसके यहाँ रुके, और उसके बाद एक दिन बाद फिर हम कोर्ट में गए, और फिर वहाँ हम भी वहाँ गए सीजीएम के सामने, तब तक मेरे भाई को भी हाजीपुर बुला के मारपीट किया गया, वो भी गया हुआ था कोर्ट में। सर, इस कंपनी में बहुत लाखों लोगों का जिंदगी फंसा हुआ है, मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुतों के साथ शोषण हुआ है, और हम नहीं चाहते हैं कि अब ये कंपनी चले, क्योंकि सर ये फ्रॉड का कंपनी है और इसमें लाखों का जिंदगी फंसा हुआ है। साथ वाला उनका फोटो टू हैव कर वो सब ले लीजिए। कुछ समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादनी का बयान ले लिया गया है, और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो ज़रूर किया जाएगा।